चरण में है और उनके रिजल्ट नहीं जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट भी गए हैं, वहाँ पे सरकार से रिप्लाई मांगा गया, क्या स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया, वो तक नहीं प्रोवाइड कर रही सरकार, इस पे क्या कहें? कल भी ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा था पत्रकार वार्ता में, कल भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार प्रतिबद्ध है आरक्षण 76% लागू करने के लिए। 76% में 32% ट्राइबल आबादी के लिए, 13% अनुसूचित जाति के लिए और 27% ओबीसी के लिए। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार भी एसटीएससी वर्ग को उनके आबादी का अनुपात सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग के लिए जो पहले 14% मिलता था उसको बढ़ा के 27% किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इजाज़त दी है कि अन्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आरक्षित वर्ग के अन्य लोगों के लिए 10% तक आरक्षण किया जाए, उसमें भी 4% का आरक्षण है। तो सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप नौकरी देते हैं तो ट्राइबल समाज को केवल 20% नौकरी मिले, इसके लिए सरकार सहमत नहीं है, और ओबीसी को 14% मिलेगा, हालांकि वो 14 है, और एससी समाज को उनकी आबादी जो छत्तीसगढ़ में है उनसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी उस हद तक व्यावहारिक नहीं है। मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार ये नियम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको हाईकोर्ट ने फैसले से रद्द कर दिया है। ये कारण है कि सरकार 20% ट्राइबल को नौकरी में आरक्षण दे के भर्ती करने पर सहमत नहीं है, और गवर्नर जो हैं ये अड़ियल रुख अपना रखे हैं। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो इनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, और पुराने गवर्नर मैडम ने भी दस्तखत नहीं किए थे और नए गवर्नर हैं वो भी इस पे बैठे हुए हैं। ये अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें कहीं भी संविधान की उस धारा में, शायद कल 200 का उल्लेख आप लोगों ने किया था, ये नहीं लिखा है कि गवर्नर अनिश्चितकालीन कर सकते हैं, बल्कि ये लिखा है कि दोबारा अगर गवर्नर हाउस को इनकार करके भेजते हैं और हाउस वहाँ से फिर से उसको पास करके गवर्नर के पास भेजता है तो 2 महीने के अंदर गवर्नर उस निर्णय को लेने के लिए बाध्य हैं। जब 2 महीने की सीमा है तो संविधान की मंशा ये है कि गवर्नर सर्वोपरि नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए लोग वो सर्वोपरि हैं और उनका फैसला कानून बनाने के लिए जो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको बाधित नहीं कर सकते, उसमें वीटो नहीं लगा सकते, कहीं वीटो का प्रावधान नहीं है। आज क्योंकि समय सीमा पहली बार जब बिल आता है उसमें नहीं लिखी है तो गवर्नर उस बात का जो उल्लेख नहीं किया गया है उसका लाभ लेके एक मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रुख अख्तियार कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया जिसमें आरक्षण उन्होंने एसटीएससी वर्ग का आबादी का अनुपात रखा और ओबीसी वर्ग का 14 से बढ़ा के 27% किया, अनारक्षित वर्ग को भी पहली बार उन्होंने आरक्षण प्रदान किया, उसमें गवर्नर बाधा बन रहे हैं, ये पूरी तरह से मेरे जानकारी में, मेरे समझ में गैर संवैधानिक है। संविधान के प्रावधान यदि साइलेंट हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका ऐसा उपयोग किया जाए कि कानून बनाने का अधिकार जिस सदन को है उसके कार्य को ही आप रोक दें। आप अनिश्चितकाल के लिए बिल पे नहीं बैठ सकते।